الصلاة خير من अंदर का मज़ार का ये ज़्यारत कर लो इंशाअल्लाह ताला। देखो तो कितना प्यारा मंज़र है ये। दिल की दुनिया बदल जाए, आप लोग ज़्यारत तो कर लें इंशाअल्लाह ताला। ये वो दरबार है जहाँ पे बिन मांगे मिला करता है लोगों माशाअल्लाह। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी की रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में देखो कलश, देखो सरकार का जो गुंबद है, दिल खुश हो जाएगा, दिल की दुनिया बदल जाएगी। सुन रहे आप, बड़े किस्मत के धनी होते हैं वो लोग जो ज़्यारत करते हैं। ये देखो मैं ज़्यारत करा हूँ और आपको देख ज़्यारत कर लो आप। माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह जज़ाकअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ अगरबत्ती लगाई जा रही है, ये सब सरकार जैसे ही चिराग रोशन हो रहे हैं वैसी जिंदगियों को रोशन कर दीजिए सरकार। जैसे आपके दरबार में चिराग रोशन है सरकार, जिंदगियों को रोशन फरमा दीजिए सरकार। बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, माशाल्लाह सब माशाल्लाह। ज़ियारत करें दोस्तों, ये अल्लाह के वली का। अच्छा, ये हज़रत ख्वाजा अब्दुल अज़ीज़ बुस्तामी लोगों में मशहूर है कि दिल्ली फ़तेह होने से पहले आप यहाँ दफन किए गए थे। ये उस वक्त की बात है, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन का मकबरा तामीर ना हुआ था। आपने 495 हिजरी में फ़त पाई। अखबारुल अख़यार, अल्लाह बहुत पुराने बुज़ुर्ग हैं माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। दुआ कर लो या अल्लाह, जो लोग देख रहे हैं उनके मकसद में कामयाबी अता फरमा दीजिए सरकार, करम फरमा दीजिए सरकार, करम फरमा दीजिए। जो लोग देख रहे हैं उनकी ज़िंदगियों को सजा दीजिए सरकार। अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं आप, अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं आप, अल्लाह के नेक बंदे हैं सरकार। हमारे आरज़ू को पूरा कर दीजिए सरकार, करम फरमा दीजिए। रो रो की गुजारिश है आपसे सरकार, आपकी बारगाह मुकद्दस में हम खड़े हैं, दुआ कर रहे हैं सरकार। माशाल्लाह बहुत प्यारा, आज पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा लग रहा है हकीकत में, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ इंशाअल्लाह ताला। आओ ज़ियारत कराते हुए आप लोगों को ले चलेंगे बाहर की तरफ। सरकार का ये आस्थान है मुबारक, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह। ज़ियारत करते हैं, आओ। चलो मैं जरा दुआ मांग के आ रहा हूँ, 5 मिनट रुको। चलो माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह, बहुत प्यारा शेख ज़ियाउद्दीन मर्द-ए-ग़ैब, शेख
ज़ियाउद्दीन मर्द गैब रहमतुल्लाह अलैह, आए है ख्वाजा कुतुब के दूसरे शरीक भाई थे। सब वलियों के हैं, अल्लाह के वलियों के मज़ारात हैं। इंशाल्लाह चलते हैं इंशाल्लाह। ये सब आपके खलीफाओं में हैं, ये इधर, ये अच्छा माशाल्लाह, ये भी बुज़ुर्ग हैं। अब चलते हैं, ये जो मज़ार है अंदर, ये क्या नाम है सरकार का? काजी हमीदुद्दीन नागौरी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम जा रहे हैं उन्हीं के आस्थाने पे, इंशाल्लाह आपको ज़ियारत कराएंगे। चलते हैं। हाँ, सरकार ख्वाजा कुतुब के उस्ताद हैं। हाँ, ये सरकार के उस्ताद मोहतरम, माशाल्लाह सरकार के उस्ताद मोहतरम। ये हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम हैं, जो कि आप ज़ियारत कर रहे हैं। हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, आप ज़ियारत कर लें इंशाल्लाह। ये वो दरबार है जहाँ भी औलाद वालों को भी औलादें मिलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जहाँ पर हर मकसद हर इंसान का पूरा होता है, दिल की याद अकीदत के साथ मांग कर तो देखो, इंशाल्लाह मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फ़रमाएगा। मांगो इंशाल्लाह ताला, मांग कर देखो, दुआ करें इंशाल्लाह मैं आपको ज़ियारत कराऊँगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत के साथ दुआ करें इंशाल्लाह हम और आप सब मिल के। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार करम फरमा दे साहब, जो मांगेंगे आज इंशाल्लाह मिलेगा। दिल की अकीदत के साथ मांग लीजिए। इतना शेयर करना मेरी इस वीडियो को ताकि पूरी दुनिया के अंदर मेरा ये वीडियो पहुंच जाए। बहुत शेयर करना। सरकार की बारगाह में खड़े होकर मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने दुआ की है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर से जिस मकसद के लिए मैं आया था मुझे, तो मेरे घर से खुशखबरी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साहिब मदार के फैज़ान से वो काम मेरा हो गया है जी, और क्या बताऊँ, बस अल्लाह का फजल एहसान है। इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर ज़रूर ज़्यारत करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये बहुत पाए के बुज़ुर्ग हैं, हुज़ूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह के ये खलीफा उस्ताद हैं, हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह। आप ज़्यारत कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैं बहता नहीं दरिया तेरा, हो जो हातिम को मैं,
الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ ہے یہ, ہاں نظام الدین اولیاء کی, ٹھیک ہے. یہ ایک درگاہ, ایک مزار شریف ہے. آپ حضرت قطب کے ہم زمانہ تھے. ایک مرتبہ دہلی میں خشک سالی ہوئی, سب لوگوں نے دعا کی مگر بارش نہ ہوئی. لوگوں نے آپ سے عرض کی آبادی سے باہر نکل کر نماز استغفار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے. آپ لوگوں کے ساتھ شہر سے باہر کو نکلے اور دوران دعا آپ نے اپنی جیب سے کپڑا نکالا, اس کو لے کر آسمان کی طرف کو اٹھایا اور کچھ پڑا فوراً پانی پڑنے لگا. اللہ اکبر. لوگ بھیگتے ہوئے اپنے گھر کو گئے. آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کپڑا کیسا ہے تو آپ نے کیا پڑا. آپ نے فرمایا یہ میری والدہ محترمہ کے دامن کا ٹکڑا تھا اور وہ کپڑا ان کو حضرت قطب نے عطا فرمایا تھا. میں نے اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر عرض کیا, اے اللہ یہ اس بزرگ خاتون کے دامن کا ٹکڑا ہے جس پر کبھی بھی غیر مرد کی نظر نہیں پڑتی, اس کے طفیل میں پانی برسا دے. فوراً بارش ہو گئی. اللہ اکبر. یہ وہ مقدس دربار ہے, آپ لوگ زیارت کریں, دعا کر لیں انشاءاللہ تعالی. اللہ. یہ ہیں حضرت شیخ حسین فیروز رحمۃ اللہ علیہ. آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں ماشاء اللہ. یہ مزار پاک ہو گیا, آپ لوگ زیارت کر لیں انشاءاللہ تعالی. بس جلدی جلدی زیارت کریں, دعا کرتے رہیں, ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. دیکھو یہ کس کا مزار پاک ہے, حضرت دائی حنبل بی بی حضرت دایا دایا, یہ والی, ہاں حضرت بیگم صاحبہ. آپ حضرت قطب الدین کی بیوی صاحبہ ہیں, آستانہ مائی صاحبہ اور دائی صاحبہ. اللہ اکبر. بہت پیاری جگہ پہ ہم لوگ آئے ہیں بھیا. یہاں تو دعا کر لو, سب عورتیں ہی دعا کر رہی ہیں, میری ماں بہنیں دعا کر رہی ہیں. دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کریں انشاءاللہ تعالی, اللہ آپ کو عطا فرمائے گا جو بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ تعالی. آستانہ مائی صاحبہ دائی صاحبہ, دعا کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مزار پاک حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیوی اور دائی صاحبہ ہیں. یہاں پہ آپ دائی کا مزار ہے اور مائی صاحبہ یعنی کہ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیگم بیوی. آپ زیارت کر لیں, دعا کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک شاید مزار شریف یہ بھی ہے, تو پتہ نہیں کس کا ہے کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ اگربتی یہاں پر آؤ, چلتے ہیں باہر ان شاء اللہ تعالیٰ. آج ویسے بھی جمعرات کا دن تھا, دل خوش ہو گیا بھائی یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے جو ہے یہاں پر, ہاں بہت اچھے طریقے سے ماشاء اللہ. برائے کرم ماسک لگائیں پلیز, ماسک کی بہت ضرورت ہے.